सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म लॉन्ग शॉट के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस फिल्म में, जिस वजह से आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, फाइनली लॉन्ग शॉट फिल्म को हमारे इंडिया में रिलीज कर दिया गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये फिल्म भी हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। लेकिन मुझे पता है ऐसी फिल्मों को देखने के लिए हमारे इंडिया में काफी कम ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में देखना पसंद करती है। वेल, ये कॉमेडी रोमांस फिल्म है जिस फिल्म की स्टोरी थोड़ी हटकर बनाई गई है। हालांकि फिल्म पॉलिटिकल टॉपिक पर भी बनाई गई है, लेकिन ये एक लेस पॉलिटिकल फिल्म है, जो कि काफी अच्छी बात है। यानी इस फिल्म में हमें देखने मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी और रोमांस, जिनकी भरमार फिल्म में काफी अच्छी तरीके से डाली गई है। यानी ये एक अच्छी ट्रेनिंग फिल्म है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करती। लेकिन अगर देखा जाए तो फिल्म की रनिंग टाइम है 2 घंटे 5 मिनट की, और ये टाइम भी फिल्म के कम हो सकते थे काफी आराम से, जिस वजह से ये फिल्म और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म 2 घंटे की होने की वजह से बोर है। ये फिल्म एक परफेक्ट एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म है, इसमें कोई भी डाउट है नहीं, और आप इस फिल्म को काफी अच्छी तरीके से इंजॉय करोगे। वेल, बात करें फिल्म के प्लॉट की, तो फिल्म की स्टोरी है चार्लीज थेरन के कैरेक्टर चार्लोटी फील्ड की, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और अब उसकी अगली मंजिल है प्रेसिडेंट बनने की। और इस बीच उसकी मुलाकात होती है सेंथ रोगन के कैरेक्टर फ्रेड से, और ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि बचपन में जब फ्रेड छोटा था तो चार्लोटी उसकी बेबीसिटर थी, और बचपन से ही फ्रेड चार्लोटी को पसंद करता है। यानी एक हिसाब से इसे हम बचपन का प्यार कह सकते हैं। जिसके बाद फ्रेड को चार्लोटी फ्रेड को नौकरी पर रख लेती है अपने स्पीच राइटर की जगह पर, और फिर इन दोनों में प्यार होगा या नहीं और लोगों को इन दोनों की रिलेशनशिप पसंद आएगी या नहीं, इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए आपको ये एक परफेक्ट रोमांस फिल्म देखनी पड़ेगी। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये आर रेटेड फिल्म है। यानी इस फिल्म में आपको काफी सारे वल्गर जोक और इंडियन सेंसर बोर्ड की तरफ से दिखाए गए कुछ सीन्स देखने मिल सकते हैं, जिन सबको मिलाकर मैं आपसे यही एक बार कहूंगा कि आप इस फिल्म को थिएटर में भी जाकर देख सकते हो। ये फिल्म आपके पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेगी। वेल, तो अब बात कर लेते हैं कि फिल्म में सबसे जबरदस्त एक्ट किसकी थी। वेल, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी एक्टिंग पसंद आई है चार्लीज थेरन की। उसके बाद सेंथ रोग का भी काम फिल्म में काफी अच्छा है। बाकी सभी की एक्टिंग आपको फिल्म में एवरेज लगेगी, यहाँ तक कि आपको फिल्म में एंडी स्कारिस भी नजर आएंगे, जिन्हें आपको देखकर पहचानना है कि असल में वो इस फिल्म में है कहाँ पर। और फिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के रोल में हमें अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड भी नजर आते हैं। और बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोनाथन लिवाइन ने, जिन्होंने इसके पहले अपने करियर में अच्छी फिल्में दो बनाई है, एक है 50-50 और दूसरी वॉर्म बॉडी, और ये इनके करियर की तीसरी अच्छी फिल्म है। और जो दाग फिल्म के डायरेक्टर जोनाथन पर स्नैचटेड फिल्म बनाकर आए थे, मुझे लगता है द लॉन्ग शॉट फिल्म से वो सारे के सारे दाग धुल गए हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से अच्छी कॉमेडी फिल्में बनाने की राह पकड़ ली है, जिसमें मुझे लगता है वो काफी बेस्ट है। और अब बात करें मेरी रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को दूंगा बी, और आपसे फिर एक बार यही कहूंगा कि जाकर इस फिल्म को एंजॉय कीजिए अगर इस हफ्ते आपका मूड खराब है तो, और आप अच्छी कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो लॉन्ग शॉट फिल्म एक परफेक्ट कॉमेडी फिल्म है। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।